ऐसा लगता है कि फेसबुक हमेशा जो है ना कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है, और इस बार फिर से जो है कंट्रोवर्सी में आ गया है। और जब भी आता है ना तो ये पासवर्ड से रिलेटेड आएगा, पासवर्ड डेटा लीक से आएगा, या पासवर्ड लीक से आएगा, या प्राइवेसी जो है लीक हो जाता है, इस सब से आता है। और इस बार भी ऐसा ही आया है, और ये आया है कंट्रोवर्सी जो हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाली बात है। जैसे कि अगर आप पासवर्ड को सेव करते हैं तो पासवर्ड लीक की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या है, और बहुत हंसी वाली बात आती है कि इतने बड़े मतलब कंपनी जो है दुनिया का नंबर वन जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है, फिर भी ऐसा मिस्टेक कर दिया। एक्चुअली ये कहानी जो है कहानी ही कहा जा सकता है, क्योंकि 7 सालों तक जो है आपका पासवर्ड जो है ना सिंपल प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करके रखा। न्यूज निकल के ये आया है, ऑफिशियल इसके जो ब्लॉग जो होता है न्यूज रूम है वहाँ से आया है, फेसबुक के न्यूज रूम से, कि जो 2012 तक जो है जितने लोग फेसबुक पे थे उनका जो पासवर्ड स्टोर था वो एकदम प्लेन जो टेक्स्ट होता है प्लेन टेक्स्ट उसमें स्टोर था। जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये हुआ, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि कोई बाहरी आदमी पासवर्ड चोरी कर लेगा। हाँ, फेसबुक का जो एम्प्लॉय है जिसको जो है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वाला या एडमिन पैनल दिया गया था, वो लोग ऐसे जो एम्प्लॉय है वो सभी के सभी लोग आपका क्या पासवर्ड है वो देख सकते हैं। अब आप कहेंगे यार ये कौन सी बड़ी बात हुई, अगर उसका एम्प्लॉय है तो वो पासवर्ड तो देख ही सकता है। नहीं दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जितने भी डेवलपर होंगे उनको तो मालूम होगा। देखिए एक्चुअली क्या है, जितने भी दुनिया में टॉप लेवल के जो है एप्लीकेशन है या सर्विसेज इंटरनेट पर दे रहे हैं तो वो जानते हैं उनका एम्प्लॉय कल के डेट में उनके कस्टमर हो या उनके यूजर हो उसको नुकसान पहुंचा सकता है ना। सपोज कि आप फेसबुक पे आप अपना आईडी बनाए और आपने वो पासवर्ड रखा, और संजोग ऐसा कभी कभी होता है लोग जो फेसबुक का पासवर्ड रखते हैं वही ईमेल आईडी का पासवर्ड रखते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज का भी पासवर्ड सेम टू सेम रखते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे कि अगर आपने पासवर्ड रखा फॉर एग्जाम्पल क्या 1 2 3 4 5, ठीक है, अब जैसे ही 1 2 3 4 5 आपने रखा, अगर उसका एम्प्लॉय देखेगा कि चलिए इस यूजर का पासवर्ड क्या है वो एक्सट्रैक्ट करके देख लेंगे, और जब देख लेंगे वहाँ पे तो कल के डेट में ये भी तो संभावना बनती है कि दूसरे सर्विसेज पे जाके वो ट्राई मारे आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड से जो हो सकता है उस सर्विसेज को एक्सेस कर ले। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो भी एप्लीकेशन बनाया जाता है उसमें क्या है कि पासवर्ड का हैशिंग कहिए या आपके पासवर्ड को एक तरह से दूसरे कॉन्सेप्ट के अनुसार एक एल्गोरिथम के अनुसार जो उसको चेंज कर दिया जाता है। सपोज आपने लिखा 1 2 3 4 5 और उसको दूसरे एल्गोरिथम के अनुसार जो एल्गोरिथम बना देते हैं उसके अनुसार जब चेंज कर देते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है जिसका मीनिंग कुछ और होगा। तो आप जब भी डालते होइएगा, आप सोचिएगा कि पासवर्ड जब वहाँ चेंज हो जाता है तो जब इंटर करते हैं तो पासवर्ड मैच कैसे कर जाता है, लॉगिन कैसे कर लेते हैं। तो देखिए सिंपली क्या है कि जब भी आप दोबारा लॉगिन करते हैं या अभी जब लॉगिन करते हुए जो भी आपका पासवर्ड होगा, एक बार पहले बनाते वक्त भी हैशिंग करके या एल्गोरिथम के अनुसार चेंज करके जो पासवर्ड वहाँ स्टोर होगा, जो कुछ भी हो सकता है, जो कोई नहीं समझ सकता वो पासवर्ड क्या है, वो उसके डेटाबेस में स्टोर होगा। अब दोबारा जब लॉगिन करते हैं आप और जब डालते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो फिर से चेंज होगा और वो डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है उससे मैच करेगा, और जब इक्वल हो जाएगा तब जाके लॉगिन होगा। मतलब आपका पासवर्ड क्या है सिर्फ आप जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है, इस ढंग से एल्गोरिथम बना करके बताया जाता है। तब देखिए इससे क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा यही होता है कि आपका पासवर्ड अगर एक सर्विसेज पर रखते हैं तो कल के डेट में जो है दूसरे सर्विसेज में वो अगर उसका सर्विस हैक भी हो जाता है, कल के डेट में फेसबुक को कोई और जो है एक्सेस भी कर लेता है, तो आपका पासवर्ड सिर्फ फेसबुक तक ही रहेगा सीमित, वहीं पे एक्सेसिबल रहेगा, दूसरे सर्विसेज पे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये बेनिफिट होता है। एक और जानकारी आपको होनी चाहिए, यही रीज़न है कि आप जितने भी वेबसाइट पर जब पासवर्ड चेंज करने की बात आते हैं, जब भूल जाते हैं लिखा रहता है ना फॉरगेट पासवर्ड, अब जब फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं और इसके बाद जाके जितने भी प्रोसेस करते हैं, आप ओरिजिनल यूजर ही हैं, तो क्या होता है आपको नेक्स्ट टाइम से ईमेल पे वेरिफिकेशन जाता है, और जब वहाँ पे या मोबाइल पे वेरिफिकेशन जाता है ओटीपी के बाद या जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद पासवर्ड जो है ना चेंज किया जाता है, न कि आपको पुराना पासवर्ड बताता है। आप गौर किए इस बात से मिला सकते हैं कि आपको पुराना पासवर्ड क्या है वो फेसबुक नहीं बताता है, वो कहता है भूल गए। अब सोचने वाली बात है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो भाई पुराना बता दीजिए, चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जो है चेंज करके जो है दोबारा रिवर्ट नहीं किया जा सकता इस प्रोसेस में, कल के डेट में कोई एम्प्लॉई जो है वो बदमाशी ना कर दे, या कहते हैं ना कि लोग थोड़ा सा जो है अगर कंपनी से नाखुश चल रहे हैं तो वो ऐसा कर देंगे काम जिससे कि कंपनी को नुकसान हो सकता है। अब मान लीजिए हम
हम आप यूजर हैं तो हमको किसी स्टाफ से मतलब तो है ना, हमको सर्विसेज यूज करने से मतलब है, तो कंपनी तो ये सब सोच करके ही ना काम करेगी। तो अब आप बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।